वाल्या बना वाल्मीकि। वाल्या के मन में परिवर्तन हुआ। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने राम नाम जपना आरंभ किया। बाद में उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ी कि उसकी समाधि लगी। बाहर के जगत को वो पूरी तरह भूल गया। मुख से केवल राम नाम ही निकल रहा था। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। चींटियों ने उसके स्थिर शरीर को मानो एक निश्चल पाषाण समझकर उस पर एक बांबी बनाई। उसमें वाल्या बिल्कुल खो गया। बाहर से किसी को कुछ पता ना चल रहा था कि इस बांबी के अंदर एक तपस्वी बैठा हुआ है। कुछ वर्षों बाद नारद मुनि उस स्थान से जा रहे थे, तब उनके कानों को राम 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 ऐसी नाम वाणी सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा। उन्होंने बांबी की मिट्टी को धीरे से हटाया। अंदर क्या देखा? डाकू वाल्या। नारद जी ने उसे समाधि से जगाया और कहा, वाल्या उठो, तुम धन्य हो गए। तुम्हारे पापों का नाश हो चुका है। तुम अब पवित्र हो। भविष्य में लोग तुम्हें वाल्मीकि ऋषि के नाम से पहचानेंगे। तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। वाल्या के शरीर पर सचमुच तपश्चर्या की आभा जगमगा रही थी। फिर वाल्मीकि की प्रार्थना के उत्तर में नारद ने उसे संपूर्ण रामचरित्र कथन किया और फिर वे वहां से त्रिलोक यात्रा के लिए चल दिए। वाल्मीकि ऋषि ने गंगा तट के निकट तमसा नदी के तीर पर एक सुंदर कुटिया बनाई। अनेक शिष्य उनके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आने लगे। एक दिन वाल्मीकि ऋषि स्नान करने के लिए बाहर निकले। अचानक एक कौंच पक्षी आहत होकर पेड़ से ठीक उनके सामने गिरा। उसके पीछे उसकी सहचारिणी उसके पास आकर व्याकुल होकर उसके चारों ओर मंडराने लगी, दुख से आक्रोश करने लगी। उस कौंच पक्षी पर किसी शिकारी ने बाण चलाया था। क्षण मात्र में उसकी मृत्यु हो गई। वाल्मीकि का हृदय द्रवित हुआ। उस दुखाती रेख में उस निषाद से कहा, हे निषाद, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि निरपराध कौंच पक्षी की तुमने हत्या की है। ये शाप वाणी उत्स्फूर्ति से उनके मुख से निकली, वो भी संस्कृत भाषा में और छंदबद्ध रचना के रूप में। परंतु तुरंत उनके मन में विचार आया, अरे रे, मैं इस पक्षी के दुख से पीड़ित होकर ये क्या बोल गया। इतने में स्वयं ब्रह्मदेव उनके सामने उपस्थित हुए। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें साष्टांग प्रणिपात किया और घटित प्रसंग उन्हें निवेदन किया। तब ब्रह्मदेव ने उनसे कहा, महर्षि, इसका खेद ना करें। आपके मुख से निकाले हुए ये छंदबद्ध संस्कृत वाक्य श्लोक रूप होकर रहेगा। सरस्वती देवी आप पर प्रसन्न है। अब इसी अनुष्टुप छंदबद्ध रचना में नारद मुनि द्वारा जो श्री राम समग्र चरित्र आपने सुना है वो लिखिए। इससे आपकी कीर्ति त्रिखंड में पहुंचेगी और आपका ये प्रभु रामचरित्र सदैव समूचे विश्व को प्रेरणा देता रहेगा। ब्रह्मदेव के इस कथन से वाल्मीकि का मन शांत हुआ और ब्रह्मदेव की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उन्होंने बहुत चिंतन किया और अत्यंत रसीली मधुर भाषा में 24,000 श्लोकों का संपूर्ण रामायण लिखा। कहानी का तात्पर्य है, क्रोध पर विजय पाना आवश्यक है। कठिन तपस्या से ज्ञान और विद्या प्राप्त होती है, जिससे कार्य में सफलता प्राप्त होती ही है।